नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष राजपूत। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं और आप यहां पर पंजाब नेशनल बैंक से होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों वो आप किस प्रकार से ले सकते हो, उसी का कम्प्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप होम लोन लेने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलने वाला है और क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। बस आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है क्योंकि आपको पीएनबी होम लोन की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों इसलिए वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम और फाइनेंस के ऊपर वीडियो मिलती रहती है। इसलिए दोस्तों जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों साथ ही हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिए क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरे से कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसका रिप्लाई आपको इंस्टाग्राम पर जरूर मिल जाएगा। और दोस्तों साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते रहते हैं, इसलिए जाकर हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। अब दोस्तों बिना किसी तरीके भरते हैं वीडियो में मेन टॉपिक की। दोस्तों अगर आप पीएनबी से होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों यहां पर इसके कुछ बेनिफिट्स भी आप जान लीजिए। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि पीएनबी में आपको जो होम लोन मिलेगा वो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से आपको होम लोन देखने को मिलेगा। इसके जो बेनिफिट्स है वो दोस्तों ये है कि यहां पर आपको 24/7 यहां पर कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, मतलब आप कभी भी पीएनबी के कस्टमर से आप हेल्प ले सकते हो, उनसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो उनसे आप सॉल्यूशन पूछ सकते हो कभी भी कॉल कर 24/7 आप यहां पर कभी भी कॉल कर सकते हो। और दोस्तों सबसे अच्छी बात जो दूसरा बेनिफिट है कि यहां पर आपको पीएनबी में जो है होम लोन है बड़े ही आसान तरीके से मिल जाता है और बहुत ही अच्छे टेन्यूर के और बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहां पर एक बेनिफिट और निकल कर आता है, वो ये है कि यहां पर दोस्तों आपके जो पीएनबी होम लोन के, अगर मान लीजिए आप कोई पीएनबी का जो आपने होम लोन लिया है उसे आप समय से पहले बंद कराना चाहते हो, आप उसके सारी किस्तें जमा कर उसे बंद कराना चाहते हो, तो यहां पर उसका कोई चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा, मतलब यहां पर फोर क्लोजर चार्जेस आपका नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है पीएनबी बैंक की तरफ से जो निकल कर आती है, आप यहां से बड़े ही आसान तरीके से होम लोन ले सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं और इसके देखते हैं कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या यहां का डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं और किस तरीके से आप इसे अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहां पर दोस्तों मैंने जो है पीएनबी की हाउसिंग फाइनेंस वाली वेबसाइट है वो ओपन कर रखी है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम इसके थोड़े से फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ होम लोन इसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको यहां पर 8.75% देखने को मिल जाता है, यानी कि 8.75% आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो सैलरीड पर्सन के लिए देखने को मिल जाता है और 8.99 यानी 8.99% का जो है सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब कि जो इंडिविजुअल होते हैं, जो मतलब बिजनेस करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो सैलरीड पर्सन नहीं होते हैं, उनके लिए यहां पर जो है यहां पर 8.99% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। इस इंटरेस्ट रेट पर आपको होम लोन यहां पर प्रोवाइड कराएगा पीएनबी, ठीक है। दोस्तों यहां पर जो होम लोन है पीएनबी जो आपको प्रोवाइड कराता है, आप रिनोवेशन के लिए, मतलब घर बनाने के लिए, उसे ठीक कराने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए बनाने के लिए, या फिर नवीनीकरण यानी न्यू बनाने के लिए आप घर को यहां पर होम लोन ले सकते हो पीएनबी से। और दोस्तों यहां पर जो है आप 30 साल के लिए होम लोन ले सकते हो, जो इसका टेन्यूर है वो 30 साल के लिए है। और दोस्तों यहां पर जो है आप 70 साल की एज तक ही इस लोन के लिए अवेलेबल होंगे, मतलब कि मान लीजिए आपकी एज जो है यहां पर 21 साल से तो ज़्यादा होनी चाहिए और ठीक है, और आपकी जो लोन है मतलब जैसे 30 साल के लिए मिल रहा है तो वो 70 साल तक ही आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, मतलब 70 साल तक आप उसको पे कर सकते हो, ठीक है। उससे ऊपर अगर एज आपकी एज जा रही है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहां पर जो है आपको इजी फाइनेंस, मतलब कि बहुत ही आसान तरीके से आपका फाइनेंस हो जाएगा लोन, और आपको जो है आपके घर की वैल्यू जो है उसके 90% आपको यहां पर लोन के रूप में दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। यहां पर आपको लो प्रोसेसिंग फीस देखने को मिल जाएगी 1-2%, ठीक है। और कस्टमर फ्रेंडली फीचर्स हैं यहां पर, आपको हर टाइम आपका इसका कस्टमर पोर्टल ओपन रहता है जैसे कि मैंने पहले बता दिया है आपको, ठीक है। अब इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों इस लोन के लिए सैलरीड पर्सन जो होंगे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों कर सकते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड भी इसके लिए कर सकता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहां पर जो है पीएनबी हाउसिंग हैज़ ए क्लियर होम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स और भी टाइप के यहां पर रिक्वायरमेंट्स बताता है। एज लिमिट मैंने जैसे कि पहले बताइए 21 साल होनी चाहिए, और आपकी एज जो है 70 साल तक होनी चाहिए, जब तक मतलब जब आपका वो 30 साल पूरा होगा तो जब तक आपकी 70 साल हो जाने
आनी चाहिए तभी आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और जो मंथली सैलरी इनकम है वो 15,000 होनी चाहिए और उससे ज़्यादा, ठीक है। जो रिक्वायर्ड सिविल स्कोर है वो यहाँ पर 611 दिया है, बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि 611 तो नॉर्मल होता है मिनिमम, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस आपको 3 से ज़्यादा साल का होना चाहिए और बिजनेस का भी आपका 3 साल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख लिया आप, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि इनकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है। तो दोस्तों सैलरीड के लिए यहाँ पर अलग बताई गई है और जो नॉन सैलरीड है मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके लिए अलग बताई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा 2 फोटो के साथ, ठीक है। एज प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड पैन कार्ड आपको यहाँ पर देना होगा दोनों के लिए, सैलरीड नॉन सैलरीड के लिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दोनों के लिए लगेगी। थोड़ा सा बस यहाँ पर चेंजेस है कि इनकम प्रूफ आपको अगर सैलरीड पर्सन तो यहाँ पर आपको इनकम प्रूफ के लिए लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप दे सकते हो या फॉर्म 16 भी दे सकते हो लास्ट 2 ईयर का एंड या फिर लास्ट 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो अगर आपके पास ये नहीं है तो, ठीक है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है जिनका बिजनेस है वो अपना बिजनेस एंड ITR दे सकते हैं, यहाँ पर लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न दे सकते हो, ठीक है। अकाउंटेंट सर्टिफाइड बैलेंस शीट दे सकते हो लास्ट 12 मंथ की आपको, तो इस तरीके से आप 12 मंथ का स्टेटमेंट दिखा सकते हो। तो दोस्तों मैंने दोनों के लिए बता दिया। अदर डॉक्यूमेंट्स में आपका जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है वो देखने को मिलेंगे, दोनों में सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट्स की एलिजिबिलिटी भी देख ली क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब दोस्तों मेन बात आती है कि इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 स्टेप इन्होंने बता रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस पेज पर जाना है, ठीक है। आपने डिटेल भर देनी है, डिटेल भरने के बाद आपको वही डिटेल भरनी है जो आपके पैन कार्ड में नेम है, वही नेम भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ, एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, जैसे ही आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर ये इधर की साइड भी देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं इधर साइड में दे रखा है रिक्वेस्ट कॉल ए बैक। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये पोर्टल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम जो आपका पैन कार्ड में नाम है वो भरना है, मोबाइल नंबर भरना है जो एक्टिव है, ठीक है। लोन अमाउंट, ठीक है, अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। लोन की अमाउंट कितने लाख तक का आपको लोन चाहिए, ठीक है, अप टू 8 लाख, अबाव 8 लाख से 25,000, ठीक है, जितना भी आपको चाहिए। ईमेल आईडी देनी है सही, लोकेशन अपनी डाल देनी है जो भी आपका एरिया है, ठीक है। और दोस्तों नीचे आज चेकबॉक्स पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देने, जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो एक OTP जाएगा आपके नंबर पर, वो OTP जैसे डालोगे तो आपकी डिटेल जो है PNB हाउसिंग फाइनेंस की वेबसाइट पे पहुंच जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी उनके पोर्टल पर। वहां से उनका जो एम्प्लॉय है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो यहां पर कॉल करेगा और आपसे सारी डिटेल्स शेयर करोगे उनसे आप, और आपको वो प्लान बताएगा जो भी है, सारी डिटेल वो आपसे अच्छे से लेगा, ठीक है। आपको उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है कि इतना लोन चाहिए, तो वो सब कुछ आपको वहीं बताएंगे, ठीक है। बस ये मुझे बताना था कि आपको किस प्रकार से आप शेयर इसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जैसे ही सबमिट करूँगा तो मेरे पास उनके पास मेरा नंबर चला जाएगा और वहाँ से फिर वो मुझे कॉल करके थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मुझे लोन लेना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा था। तो दोस्तों इसी तरीके से आप यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हो। इन्होंने देखा अपनी जो होम पेज पर भी यहाँ पर साफ साफ जाहिर कर रखा है कि डोर स्टेप सर्विस विद अ डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, आपके यहाँ पर घर पर भी आ सकता है आपका मैनेजर, ठीक है, आप उनसे बात भी कर सकते हो। और यहाँ पर 30 ईयर का आपका टेन्यूर के लिए लोन मिल जाएगा 30 सालों के लिए, नो प्री पेमेंट और 4 क्लोजर चार्जेस ये भी नहीं लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपका नो 4 क्लोजर चार्जेस मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप पहले ही सारा पैसा जमा कर देना चाहते हो समय से पहले तो कोई चार्जेस यहाँ नहीं लगेगा। फंडिंग अप टू 90% आपको यहाँ पर देखिए, आपकी जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है उसका 90% आपको लोन के रूप में मिल जाएगा, ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों बस आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट कॉल पर क्लिक कर देना है, वहाँ से वो एम्प्लॉय कॉल करेगा, सारी डिटेल वो बड़ी आसान तरीके से आपको समझा देगा, आपका पेपर फिल करा लेगा वहीं पर एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन ही आपका सारा जो है प्रोसेस हो जाएगा और आपको लोन बड़े ही आसान तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी इस वीडियो को देखकर हेल्प मिल सके अगर वो एक होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो। दोस्तों साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।